नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल की कुशाभाऊ मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। यह आवास 1925 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ ही 1155 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए अंतरित किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम वर्चुअल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उपस्थित रहे। 1155 करोड़ की लागत से 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन किया जा रहा है। श्री लखन सिंह राजपूत को दिया जा रहा है कार्यों से शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। आज के कार्यक्रम को तो मकान हमारी जरूरत है, मेरा मकान, अपना मकान, और उनके सामने पहल करते हुए हमने पहले शहरों में गरीबों को आवास के पट्टे देना प्रारंभ किए, झुग्गी झोंपड़ी के पट्टे कई जगह दिए। कई बार इन चीजों पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, मैं कहना चाहता हूं उनसे, तुम्हें गरीब जब इस धरती पर पैदा हुआ है तो उसको भी जीने का हक, मुस्कुराने का अधिकार है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने अगर ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, जमीन बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, हवा बनाई तो सबके लिए बनाई, खदानें बनाई, खनिज अगर उत्पन्न किया तो सबके लिए किया, सबका हक है, सबका अधिकार है। लेकिन व्यवहारिक रूप से सबका हक नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता, और इसलिए हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हम ऐसे गरीबों को उनका हक देंगे, सुविधाएं देंगे। और इसलिए अगर हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं, सस्ता राशन दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कर रहे, तेरा खुद को अर्पण, क्या लागे मेरा, ये हक है मेरे गरीब बहनों और भाइयों, और ये हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रहेगी। और ये गांव, गांव होता है शहर, कई बार कहते हैं फ्री में बांट रहे, अरे फ्री में नहीं बांट रहे, उनका हक दे रहे, उनका अधिकार दे रहे। और इसलिए राशन, अभी जिन बहनों से मैंने बात की उन्होंने स्वयं बताया, मध्य प्रदेश अकेले में लगभग 4,80,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का निशुल्क राशन, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना का 1 रुपया किलो राशन हम दे रहे हैं। और जितने लोगों से मैं बात करता हूं, बाइंदा ये राशन ठीक से पहुंच रहा है। बीच में इतना जितना शिकायतें मिली तो मैंने सीधे जेल भिजवाया, हमने कह दिया गरीब के राशन पर डाका डालो तो फिर सीधे जेल में। इसलिए भोपाल और हर एक नगर में मुझे सुन रहे मेरे सभी आदरणीय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन भी अद्भुत दिन है उन गरीबों के लिए जिनका मकान बनने का सपना साकार हो रहा है। अभी हमने चेहरे की प्रसन्नता देखी, पंडित जी बैठे हुए, भूमि पूजन की तैयारी है, मकान तैयार है, फीता बना हुआ है, फीता कटने का इंतजार है। गरीब से गरीब भाई बहन की जिंदगी में इच्छा जरूर होती है कि उसका अपना बहुत बड़ा ना हो लेकिन छोटा सा एक पक्का मकान जरूर हो, जहां अपने बेटा बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ वो चैन से रह सके, वो आराम से रह सके। और आज 1,06,000 ज्यादा बहनों और भाइयों का ये सपना साकार हो रहा है। आज ही 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इन निर्माण के कामों में लगेगी, उसमें से कुछ राशि अभी आपके सामने हमने डालने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत,
एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और हमने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब हमारे शहर भी आत्मनिर्भर होंगे और अपने शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि शहर ग्रोथ का एंजिन होते हैं, शहर कई लोगों को रोजगार देते हैं। और जो शहर मुंबई में है, आज मैंने उनसे कहा था कि कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, किससे डरना है, इसमें देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं वर्चुअल जुड़ जाऊंगा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास किस, उनके खाते में किस्त आती है। और इसलिए वो आज मुंबई से हमसे जुड़े हैं, एक बार ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। उनके नेतृत्व में विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारी वरिष्ठ नेता, बहुत वरिष्ठ मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारी दूसरी वरिष्ठ मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे मंत्री भाई हरदीप सिंह डंग जी, इस विभाग के हमारे राज्य मंत्री जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, श्री ओपीएस भदौरिया जी, भाई यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बहन कृष्णा गौर जी, हमारे भोपाल के पूर्व मेयर भाई आलोक शर्मा जी, मनीष सिंह जी, नितिन श्रीवास्तव जी, अलग अलग स्थानों में जाकर के गृह प्रवेश कराने का अवसर उस समय मिला था। मैं भी एक गांव के अंदर बैरसिया के अंदर गया था, यानी अलग प्रकार का एक आनंद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो गरीबों के सर पर छत देने से लेकर उनके जीवन स्तर को बदलने का जो काम किया है, तो उस समय भी कोरोना के संकट में रिकॉर्ड 6 महीने के अंदर जो 8 महीने में घर बनकर के तैयार होते थे, वो कोरोना के संकट में 6 महीने के अंदर तैयार हुए। और आज भी मुझे इस बात का गर्व है कि हम 1 लाख से ऊपर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4,100 करोड़ रुपए, चाहे गृह प्रवेश होगा या भूमि पूजन होंगे या हितग्राहियों के किस डालने का हमारा अभियान है। कोरोना का संकट अभी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार की गति और संकल्प माननीय मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार का है, तो इन कामों में भी लगातार हम उस दिशा में भूमिका निभाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे नगर निकाय के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और ओपीएस भदौरिया जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं, आज मुझे इस बात का गर्व है कि गांव-गांव के अंदर हम इस दिशा में आज लोगों का जीवन बदलने में सफल हुए हैं। क्षेत्र के अंदर देख रहा था अभी 2 दिन पहले, तो प्रधानमंत्री आवास प्लस के माध्यम से जो सर्वे होकर के ऐसे लोग जो वंचित थे उनको भी अवसर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो किया है, ये भी एक बड़ा कदम आगामी समय में। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में, एक बड़ा अभियान लेकर के उन सब लोगों को भी जो वंचित बचे हैं उनको भी अवसर मिलेंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा जो है उसको जमीन पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मैं आज पुनः एक बार उनको अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ, जितने भी हितग्राही आज जिनके गृह प्रवेश होंगे, जिनके भूमि पूजन होंगे और जिनकी किस्त आज यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से डालेंगे, मैं उन सबको पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.